टेन फिंगर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम धातु रूप के अंतर्गत लंग लकार भूतकाल परस्मै पद का अध्ययन करेंगे। इसका हम पहले प्रारूप याद करेंगे और फिर हम इसमें गच्छ धातु का उपयोग सीखेंगे। देखिए, लंग लकार में भूतकाल के ही शब्द आते हैं। अब भूतकाल क्या कहलाता है? जो क्रिया पहले हो चुकी है वो कहलाती है भूतकाल। जैसे राम कल स्कूल गया था, तो जहां पर था शब्द आ जाता है वो कहलाता है भूतकाल। राम ने रावण को मारा, तो मारा था ना, तो वो क्या हो गया? भूतकाल से संबंधित घटना। तो इसमें क्या होता है, ये जो आ है ये तो हर एक जो शब्द है उसके आगे लगेगा, हर क्रिया शब्द के आगे आ लगाया जाएगा। ये बिल्कुल इसमें कॉमन चीज है। फिर इसके बाद ये जो लास्ट वाली चीजें हैं ये हमें याद करनी है। याद करना बहुत आसान है, रोज मेरे साथ इसको आप 4-5 बार पढ़िए, फिर इसको लिख के देखिए, फिर चेक कीजिए, पुस्तक से ही चेक करना है आपको। इसको हम पढ़ते हैं, ता ताम अन अह तम ता अम आव आम। अब इस वाले आ को हम नहीं पढ़ेंगे, ये आप दिमाग में रखिए कि यहां पर आ लगाया जाना है भूतकाल में लंग लकार में। तो इसको फिर से पढ़ते हैं, ता ताम अन अह तम ता अम आव आम। ता ताम अन अह तम ता अम आव आम। ता ताम अन अह तम ता अम आव आम। ता ताम अन अह तम ता अम आव आम। अब इसका हम गम धातु के साथ उपयोग देख लेते हैं। ये देखिए, गम धातु जो है वो गच्छ करके चलती है। संस्कृत में जाना को गच्छ बोला जाता है। तो इसका हम देख लेते हैं, इसको हम पढ़ेंगे, अगच्छत अगच्छताम अगच्छन, अगच्छ अगच्छतम अगच्छत, अगच्छम अगच्छाव अगच्छाम। अब ये मैंने पढ़ लिया है पूरा, पर सुनने में भी थोड़ा अजीब सा लग रहा है और हमें याद करने में भी थोड़ी सी कठिनाई होगी। तो हम इसमें प्रारूप को ढूंढेंगे कि प्रारूप कहाँ बन रहा है। ता ताम अन, अब ये जो अगच्छन लिखा है अगच्छन में तो अन कहीं दिखाई नहीं दे रहा, सीधा सीधा आपको छन दिखाई दे रहा है। तो जब हम गच्छ में अन जोड़ते हैं तो आ का लोप हो जाता है और केवल रह जाता है गच्छन। ये वाला आ तो हमारा कॉमन है ही, सब में लगाना है। ये मैं आपको केवल लास्ट का बता रही हूं कि ये अगच्छन कैसे हो गया, ये वाला हमने पूरा पूरा अन क्यों नहीं लिखा। जब हम इसको जोड़ेंगे तो आ का लोप हो जाएगा। यदि हम इसको इस तरह से लिखें, आ ग छ आ ना, तो ये बिल्कुल आपका गलत माना जाएगा। इसको ऐसा नहीं लिखना है। सही शब्द इसका ये है अगच्छन। इसमें हलंत भी आता है, तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि आप इसको लिख के बुक से चेक कीजिए, बुक में आपके हलंत मात्राएं अच्छे से चेक हो जाएंगी। तो हम इसमें प्रारूप देख रहे थे, ता ताम अन अह तम ता अम आव आम। अब यहां पर भी देखिए आ का लोप हो गया है, अगच्छम अगच्छाव अगच्छाम। यहाँ पर आ नहीं दिखेगा आपको, छोटा, केवल हमने क्या जोड़ा, माँ जोड़ा है। तो उसको हम आ के ही साथ लिखते हैं, माँ को अकेला नहीं लिखते जब हलंत होता है साथ में। यहाँ पर तो हलंत नहीं है वा में, फिर भी हम इसको आ के ही साथ लिखेंगे, अम आव आम, क्योंकि इसमें आ। तो ये आपको मेरे साथ याद हो गया होगा, बस आपको रोज एक बार लिखना है, चेक करना है, उसको मिलाना है। फिर जब आपको ये अच्छी तरह से याद हो जाए तो आप इसको सप्ताह में एक बार जरूर लिख के देखें। इतना करने में आपको मुश्किल से 5 से 10 मिनट लगेगा, पर आपको ये हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ गच्छ धातु कैसे चलती है ये आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पर विजिट करते रहिए। धन्यवाद।